सो व्हाट इज अप गाइस, यू आर वाचिंग टेक गुरु खुशाल और मेरा नाम है खुशाल नागपाल। सो गाइस, अब एक और अनबॉक्सिंग लेके आए हम रेडमी बर्ड्स ईयरबड्स एस की अनबॉक्सिंग और रिव्यू देंगे, क्योंकि इन चीज़ों में अनबॉक्सिंग मैटर नहीं करती, पर इन चीज़ों का रिव्यू बहुत मैटर करता है कि ये जो 1800 की प्राइस के अंदर वर्थ इट है कि नहीं है। पूरी वीडियो एंड तक देखना, ये वीडियो देख के आप समझ जाओगे कि अरे वर्थ है कि नहीं है। सो गाइस, अनबॉक्सिंग क्या ही करें, अभी ऐसे ही कर देते हैं फटाफट अनबॉक्सिंग। गाइस खोलते ही हमें इसके अंदर हमारा प्यारा सबका ईयरबड्स का चार्जिंग केस देखने को मिल जाता है। तो गाइस ये आप देख सकते हो, फटाफट अनबॉक्सिंग कंप्लीट करी जाए। वाओ। तो गाइस अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कुछ ऐसे दिखते हैं अंदर से। तो गाइस जो मेटल और जिसके अंदर जो लगाई हुई है हिंज, वो काफ़ी बढ़िया लग रही है। मतलब मेरे को कोई भी मतलब रुकना टोका वैसे कुछ आ नहीं रहा, मैं इसलिए एक हाथ से इसको खोल सकता हूँ और एक हाथ से बंद कर सकता हूँ। और गाइस अभी इसके बारे में तो आगे बात करते हैं, फटाफट पहले देखते हैं और आपको बॉक्स के अंदर क्या देखने को मिलता है। सो गाइस इसके अंदर अब हमें ये टिप्स देखने को मिलती है, एक मैंने लगा ली, एक तो मतलब लगी लगाई आती है और एक कुछ ऐसे आपको इसके अंदर ईयर टिप्स देखने को मिलती है अलग अलग साइज के हिसाब से। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट डॉक्यूमेंटेशन, जिसको हमें पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पढ़े। तो सीधी बात आते हैं हमारे ये ईयरबड्स के ऊपर, तो एक इसका मैं लुक दे देता हूँ। ऊपर अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो इसके अंदर रेडमी लिखा हुआ है, और अगर इस पीछे तो कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे एक माइक्रो USB चार्जिंग पोर्ट है, टाइप सी भी इस पॉइंट पे मिल जाता है, मिलता तो ज़्यादा अच्छा होता है, पर माइक्रो USB से भी काम सही चल रहा है। और अंदर आपको ऐसे दो ईयरबड्स देखने को मिलते हैं, मैं दोनों को निकालता हूँ। और इसके अंदर आपको चार्जिंग पिन देखने को मिलती है, डायरेक्ट केस से ही चार्ज होते हैं। हम केस को साइड में रखते हैं और इसको सबसे पहले एक बार लगा के देख लेते हैं, और तो मैं पहले भी लगा के देख चूँ। सो गाइस बड़े मस्त फिट हुए हैं, मैं इसको फटाफट अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लेता हूँ। तो इस कनेक्टिंग में बिल्कुल टाइम नहीं लगा, आप देख सकते हो, बस मैंने अभी करा और कनेक्ट हो चुके हैं। सो गाइस फटाफट इसकी टेस्टिंग की तरफ बढ़ते हैं। इसमें इसको बताया गया है कि 12 आवर का टाइम देखने को आपको मिल जाता है, और बॉक्स में कोई चार्जिंग केबल नहीं है जो छोटी आती है, वो मेरे को बड़ा अजीब सा लगा, पर बिना टाइम वेस्ट करे यार स्टार्ट कर लेते हैं। फीलिंग तुम्हारी, एक तो ताड़ा कुत्ता टॉमी, साड़ा कुत्ता कुत्ता ताड़ा कुत्ता टॉमी, साड़ा कुत्ता कुत्ता, क्या करूं मैं, मर जाऊं, मेरे को फीलिंग नहीं। तो गाइस अगर मैं पूरी बात साफ बात करूं तो गाइस इसका जो साउंड है वो बहुत ज्यादा तगड़ा है भाई, इसका बेस बहुत बढ़िया देखने को मिलेगा। और मैं पूरे मैं अगर आपको हिला के दिखाऊं तो ये बिल्कुल प्रॉपरली फिट है कान के अंदर, और इसका कुछ ऐसे कान में दर्द भी नहीं हो रहा लगाने पर, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसको आपके सामने शेक कर रहा हूँ, ये निकल भी नहीं रहे हैं, इसका फिट जो है वो प्रॉपर कंफर्टेबल है। तो गाइस बस यही था इस वीडियो के अंदर, मिलता है हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।